भारत में कोरोना के केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा कई नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इतनी सख्ती और लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। जी न्यूज के फेमस एंकर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेमस एंकर सुधीर चौधरी की। सुधीर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हैं। सुधीर ने सोशल मीडिया पर खुद ये जानकारी शेयर की है। सुधीर ने अपना पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि बहुत से लोगों ने उनसे पूछा था कि उनको क्या हुआ है, उनकी तबीयत कैसी है, वे इतने दिनों से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। बट इतने सारे लोगों को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल था, तो मैं आप सबको इस पोस्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे कोरोना हुआ है। मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मैं 11 दिन हो गए हैं मुझे कोरोना हुए। मेरे लंग्स में पैचेस हुए हैं, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। बट अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं रिकवरी कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर्स और अपने साथियों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। प्लीज आप लोग भी इस वायरस को हल्के में ना लें। मैं जल्दी ठीक होकर वापसी करूँगा और अपना शो स्टार्ट करूँगा। बता दें, सुधीर ने ये पोस्ट हॉस्पिटल से अपनी फोटो के साथ शेयर किया है। इस फोटो में सुधीर काफी कमजोर नजर आ रहे हैं और उनकी दाढ़ी भी काफी बड़ी हुई नजर आ रही है। इस फोटो में सुधीर के बाल सफेद हैं और उनके हाथ में सिरिंज लगी हुई है। बता दें, सुधीर ने जनता से अपील की है कि वो भी कोरोना के दौरान अपना ख्याल रखें और इस वायरस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें।